हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक देव, तो आलोराम सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है भाइयों। जैसा कि भाइयों आप जानते हैं, चक्रवात महा का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। जी हां भाइयों, चक्रवात महा की वजह से किन किन राज्यों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, साथ ही पिछले 24 घंटे में कहां कहां बरसात हुई है और आने वाले 24 घंटे में कहां कहां बरसात हो सकती है जिसकी वजह से बड़ी तबाही हो सकती है, उसकी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहना अंत तक। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि मैं अन्य कोई भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। तो चलो भाइयों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में गुरुवार को हल्की बूंदाबांदी की वजह से लोगों को ठिठुरन का एहसास होने लगा है। हल्की बारिश की वजह से गुरुवार को पॉल्यूशन में भी कमी आई थी, लेकिन दिल्ली वासियों को अब एक और नई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। जी हां भाइयों, जल्द ही मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन ऐसे ही बूंदाबांदी होने की संभावना है, जिसके बाद पॉल्यूशन तो कम हो जाएगा लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों को कोहरे का सामना करने पड़ेगा। जी हां भाई, मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में शुक्रवार से हल्का कोहरा छा सकता है। बता दें कि गुरुवार को हुई बारिश की वजह से दिल्ली का अधिकतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई थी। अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री दर्ज किया गया है। तो भाई, दिल्ली के किन किन इलाकों में कितनी बरसात हुई वो जानिए। गुरुवार को दिल्ली में 0.8 में बरसात दर्ज की गई, जबकि सबसे अधिक बरसात पालम में 3.4 में दर्ज की गई। इसके अलावा लोडी रोड पर 0.7 में, रिज में 0.6 में, आयनगर में 2 एम, जफरपुर में 2 एम और पूसा में 1 एम बरसात दर्ज की गई। बरसात की वजह से अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस कम होकर 23.4 डिग्री दर्ज किया गया है दिल्ली का। वहीं बात करते हैं पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से बढ़ेगी ठंड। बारिश के बाद मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि शुक्रवार को मध्यम दर्जे का कोहरा छा सकता है, हालांकि अगले हफ्ते में मौसम साफ हो सकता है। बता दें कि पहाड़ों में भी लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चलने लगी है। बर्फबारी की वजह से दिल्ली के साथ साथ यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी ठंड बढ़ सकती है। आपको बताना चाहते हैं, चक्रवाती तूफान महा की वजह से 4 राज्यों में रेड अलर्ट घोषित हो चुका है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ यूपी और उड़ीसा में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। जी हां भाइयों, इन 6 राज्यों में अगले 24-48 घंटे में मूसलाधार बरसात हो सकती है। वहीं राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान के भाइयों 6 जिलों में कल बरसात दर्ज की गई है। राजस्थान में अलवर के आसपास के क्षेत्र सभी, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और गंगानगर में बरसात दर्ज की गई थी, जिसके चलते यहां पर ठंड बढ़ चुकी है। वहीं आपको बताना चाहते हैं, राजस्थान में आने वाले 24 घंटे में कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, इन सभी क्षेत्रों में अगले 24-48 घंटे में मूसलाधार बरसात हो सकती है चक्रवाती तूफान की वजह से। वहीं भाइयों, 2 राज्य अब भी ऐसे हैं जहां पर हाई अलर्ट जारी हो चुका है, महाराष्ट्र और गुजरात। जी हां भाइयों, गुजरात के तटीय इलाकों में अगले 24 घंटे में चक्रवात तूफान की वजह से भयंकर बरसात होने के आसार हैं। तो मछुआरों को चेतावनी दे दी गई है, वहां पर समुद्र के तट के आसपास नहीं जा सकते, क्योंकि आने वाले 24-48 घंटे में 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। वहीं भाइयों, मौसम विभाग की माने तो अगले 24-48 घंटे में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो सकती है, जहां पर आवागमन भी ठप हो सकता है। जहां अगले 24-48 घंटे में बर्फबारी होगी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। तो भाइयों, ये थे पूरे देश के मौसम विभाग की हालचाल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह। अगर आप भी अपने जिले या राज्य के मौसम की जानकारी हमसे पाना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत अपने नाम के साथ अपने जिले या राज्य का नाम तुरंत कमेंट कर दे, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी आपको दे देंगे, इसलिए कमेंट जरूर करना। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि मैं अन्य कोई भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। तो वीडियो में आज कितना ही भाई, जय हिंद जय भारत।